मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न दिया है क्या एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा एक घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेंगे, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि मोटर बोट की स्थिर जल में चाल दी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल यदि लिखें, धारा की प्रतिकूल निकालेंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल घट जाती है, तो धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल बराबर मिलेगी 18 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल बराबर 18 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो कभी भी धारा के प्रतिकूल मोटर बोट या नाव की चाल ज्ञात करना है तो नाव की चाल से धारा की चाल को घटा देंगे, और धारा के अनुकूल नाव की चाल या मोटर बोट की चाल निकालना है तो नाव की चाल में धारा की चाल को जोड़ देंगे तो वो सापेक्ष चाल मिलेगी। प्रश्न कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, तो धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में यदि हम समय निकालें, समय बराबर जानते हैं दूरी बटे चाल, दूरी 24 किलोमीटर है, और धारा के प्रतिकूल चाल देख रहे हैं 18 माइनस एक्स, तथा धारा के अनुकूल चौबीस किलोमीटर जाने में लगा समय, दूरी 24 किलोमीटर ही है, चाल अनुकूल में देख रहे हैं 18 प्लस एक्स है, तो 18 प्लस एक्स। प्रश्नानुसार धारा के प्रतिकूल जाने में क्या वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा एक घंटा अधिक लेती है? प्रश्नानुसार यदि देखेंगे तो प्रश्नानुसार मिल जाएगा, धारा के प्रतिकूल देख रहे हैं समय लगा 24 बटे 18 माइनस एक्स, और धारा के अनुकूल जाने में लगा समय 24 बटे 18 प्लस एक्स। तो प्रश्नानुसार क्या धारा के प्रतिकूल जाने में अनुकूल जाने की अपेक्षा एक घंटा अधिक लगता है? तो 24 बटे 18 माइनस एक्स, ये हमारा जो प्रतिकूल जाने में समय है, अनुकूल जाने की अपेक्षा एक घंटे अधिक है, इसलिए से घटाएंगे, दोनों का अंतर बराबर एक के होगा। आप सरल करते हैं, देख रहे हैं 24 दोनों से कामन मिल जाएगा, 24 कामन कर लेते हैं तो देख रहे हैं बचेगा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स बराबर एक। अब लाशा लेकर के सरल करेंगे
तो देख रहे हैं लाशा लेने में दोनों पद लाशा मिल जाएंगे, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, देख रहे हैं तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 18 प्लस एक्स का एक से गुणा करेंगे तो 18 प्लस एक्स, फिर माइनस एक से 18 माइनस एक का गुणा होगा तो माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर एक, सरल करेंगे तो 18 देख रहे हैं प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से 24 इंटू एक्स प्लस एक्स मिलकर के 2x अपान हर में देख रहे हैं एक बार माइनस में एक बार प्लस में वर्गांतर हो जाएगा, तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर एक, 24 दुनाई 48x बराबर 18 माइनस एक्स स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे देख रहे हैं इधर भाग में है राइट हैंड साइड में गुणा में जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, सारे पद पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस में मिल जाएगा और प्लस 48x 324 पक्षांतर करेंगे माइनस के रूप में आएगा। आप देख रहे हैं 324 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर 48 प्राप्त हो, तो हम जानते हैं 18 का वर्ग 324 होता है अर्थात 18 गुणे 18 324 मिलेगा, फिर एक 18 के खंड देख रहे हैं 6 गुणे 3 कर लेते हैं और इस 3 को यदि हम 18 के साथ शामिल कर लें तो 18 54 और 54 और 6 दो खंड होंगे, तो देख रहे हैं 54 से 6 घटाएंगे 48 मिल जाएगा, तो हम 48x के स्थान पर 54x माइनस 6x लिखेंगे, तो यही समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। अब हम दो दो पद का समूह बनाकर कामन कर लेंगे, पहले समूह से देखें तो x कामन मिल रहा है x प्लस 54, फिर देख रहे हैं दूसरे से माइनस 6 कामन मिल जाएगा तो x प्लस 54 बराबर 0, देख रहे हैं x प्लस 54 दोनों से फिर कामन मिल रहा है कामन कर लेंगे, शेष बचता है x माइनस 6 बराबर 0। अब दोनों गुणनखंडों को क्रमशः हम एक एक बार 0 के बराबर करेंगे, तो यदि x प्लस 54 बराबर 0 तो देख रहे हैं x बराबर 54 पक्षांतर किए राइट हैंड साइड माइनस के रूप में जाएगा, तो देख रहे हैं x हमने धारा की चाल मानी थी तो धारा की चाल निगेटिव नहीं होती है इसलिए यह मान अग्राह्य होगा, और यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 मिल जाएगा, अतः अभीष्ट धारा की चाल बराबर, इसलिए कह सकते हैं धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और ये 2024 में आया हुआ है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।